पिछले 15 दिन में 3 ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिन्होंने मुझे झकझोर दिया है, अंदर से हिला दिया है। 3 बहनों के 15 दिनों में हाथ काटे गए, पति ने काटे। ये घरेलू हिंसा का मामला बेहद गंभीर है और मुझे लगता है कि आज भी बहनें कहां स्वतंत्र हैं। मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया। आज डीजीपी को मैंने निर्देश दिए कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन यह मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति अगर हाथ काटे तो विश्वास का खून। अगर 7 फेरे लिए, जन्म जन्म का साथ निभाने की कसमें खाई है और घर से ले जाओ जंगल में लकड़ी बीन और हाथ काट दो, तो साधारण अपराध नहीं है, यह भयंकरतम अपराध है। और इसलिए इसको केवल 307 का मामला नहीं माना जा सकता। अभी इस पर धारा 307 लगती है, लेकिन घरेलू हिंसा के इस जघन्य मामले पर आज मैंने निर्देश दिए कि और कड़ा कानून बनाया जाए। मैं साधारण अपराधों की तरह ऐसे मामले नहीं दे सकता। राज्य मध्य प्रदेश में मैं अपील भी करना चाहता हूं कि हम मध्ययुगीन वर्वा युग में जी रहे हैं। पति की मर्यादा और पत्नी के हाथ काट दें, यह हो नहीं सकता। घरेलू हिंसा के खिलाफ एक जनजागरण का अभियान भी चले, यह भी मैंने सोचा है, और एक नया कानून बने जो ऐसे अपराधियों को कठोरतम दंड दे जिससे यह सहर जाए और ऐसी घटना फिर ना हो।